नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फल खरीदा होगा, खाया भी होगा, देख के ही खाने का मन चलता है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपको इसका नाम पता है और इसकी कौन कौन सी डिश बनती है आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आज आपको मैं इसके खाने का सही तरीका बताऊंगी, इसका नाम भी बताऊंगी। इस फल का बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, इसी तरह इस फल का भी पेड़ होता है और इसमें छोटे छोटे से फल लगते हैं। इसको हमारे यहाँ कैथा बोलते हैं, बहुत जगह इसको कबीर भी बोलते हैं और इसकी और भी बहुत सारी रेसिपी बनती है। लेकिन आज आपके साथ मैं दो एकदम यूनिक चटनी शेयर करूंगी, जिसको आप किसी भी चीज के साथ इंजॉय करेंगे ना, तो वो हर एक चीज का जायका बढ़ाने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हमने ले लिया है एक कैथा और ये कैथा थोड़ा सा पका हुआ है। कैथा पका है या कच्चा कैसे पता करेंगे? ये देखिए, इसका डंठल दिख रहा है, अगर यहाँ से स्मेल करेंगे सूंधी सूंधी मीठी मीठी स्मेल आती है, समझ जाइए पका हुआ है। और पका हुआ फल अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है, और जो कैथा कच्चा होता है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये पका हुआ फल है। और इसी के साथ हमने ले लिया है तीन छोटे साइज की प्याज। तो प्याज का छिलका निकाल के हम सिलबट्टे में रख लेते हैं। आज हम सिलबट्टे में चटनी बनाएंगे। जब भी आप कैथा की चटनी बनाइए, सिलबट्टे में बनाइए, या फिर आप इस चटनी को कूट के बना सकते हैं, जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं ना, उसमें आराम से कूट जाएगी, बना लीजिए। ये चटनी हमको मिक्सी में क्यों नहीं बनानी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए, हमने तीन प्याज छील ली, इसी के साथ हमको कैथा को फोड़ लेना है। तो हमने देखिए थोड़ा सा इसमें चोट मारी और आराम से कैथा अलग हो गया, ये देखिए। अगर आपका कुछ चटपटा खट्टा मीठा खाने का मन चल रहा है, तो इस कैथे में थोड़ा सा चटपटा तीखा सा नमक लगा के खाइएगा, सच में मजा आ जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ट्राई जरूर करिएगा। अब हमको कैथे का पल्प अलग कर लेना है। तो आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से या फिर इस तरह नाइफ की हेल्प से आराम से इसका पल्प अलग कर सकते हैं, ये देखिए, बस इस तरह। हमने कैथे का पल्प तो अलग कर लिया। अब हमको इस कैथे की चटनी में डालनी है मिर्ची। तो ये थोड़ी सी तीखी मिर्ची, और मेरे घर में थोड़ा सा कम तीखा खाते हैं, इसलिए हमने दो मिर्ची ली। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, प्याज हमने ऐसे छील के रख ली थी, तो प्याज की स्लाइस भी कट कर लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से पीस सकें। देखिए, हमने प्याज भी काट लिया। अब हमको लेना है लहसुन, तो मैंने 10 से 12 कली लहसुन ले ली है और इसी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ लेना है ढेर सारी धनिया पत्ती। जब भी आप कोई चटनी पीस रहे हैं, धनिया पत्ती थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ना, तो उस चटनी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो धनिया पत्ती धो के अच्छे से डाल दी, और मैंने इस धनिया पत्ती के डंठल बिल्कुल भी नहीं तोड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशबू डंठल में ही होती है, पत्तियों में थोड़ी सी कम खुशबू होती है। जब भी आप चटनी पीसें तो धनिया पत्ती के डंठल कभी भी ना हटाएं। और अब हमको प्याज, मिर्ची, लहसुन, धनिया पत्ती पीस लेना है, और अभी कैथे को बिल्कुल भी टच नहीं करना। कैथा हमने देखिए पीछे साइड रख रखा है, तो हमको ये कितना पीसना है बस आप वो देखते जाएं। जब आप इस चटनी को पीस रहे हैं तो प्याज को थोड़ा सा फोड़ लें, नहीं तो प्याज पीसने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप थोड़ा सा प्याज को फोड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से प्याज भी पीस जाएगी। तो देखिए, एक बार हमने अच्छे से पीस लिया, वापिस सारी चटनी को पीछे किया। अब हमको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच नमक, क्योंकि कैथा काफी खट्टा होता है, तो इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा जाएगा, और चटनी वगैरह में अगर नमक कम हो तो चटनी अच्छी नहीं लगती, तो नमक आप अच्छे से डालिएगा। वापिस देखिए, हमको पीस लेना है। अब हमने ये 2 बार चटनी पीस ली है, और इसी तरह आप 2 से 3 बार चटनी को आगे पीछे करते हुए पीसें, जिससे चटनी अच्छे से पीस जाएगी। और अभी कैथे को बिल्कुल भी टच नहीं करना। और ये देखिए, 3 बार हमने चटनी पीस ली, 3 बार चटनी पीसने के बाद चटनी अच्छे से पीस गई। अब हमको इसमें कैथा ऐड करना है, तो कैथा को आप सबसे पहले इस तरह से कूट लें, जिससे कि कैथा पूरा फूट जाएगा और पीसने में आसानी रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चटनी मिक्सी में क्यों नहीं पीसनी, क्योंकि कैथे में बीज होते हैं, और जब हम ये चटनी मिक्सी में पीसेंगे तो ये बीज पीस जाएंगे, और कैथा की चटनी में कभी भी बीज नहीं पीसे जाते हैं, इसके बीज इसी तरह पूरे रहने चाहिए, तभी ये कैथा की चटनी टेस्टी लगती है। अब हमने देखिए कैथे को अच्छे से फोड़ लिया, वापस इस चटनी के साथ मिक्स किया, हल्के हाथों से 1 से 2 बार दरदरा पीस लेंगे, जिससे कि बीज भी नहीं फूटेंगे और सारी चटनी भी पीस जाएगी, ये देखिए।
अगर आप ये चटनी मिक्सी में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती को मिक्सी में पीस लें और कैथा को जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना उसमें अच्छे से कूट के चटनी में मिक्स कर दें, तब भी ये चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमने ये चटनी अच्छे से बना ली, पीस गई। बस ये चटनी थोड़ी सी दरदरी पीसी जाती है, तो इस चटनी को हम निकाल के रखते हैं एक दूसरे बर्तन में। और अब हमको एक और चटनी बनानी है और उस चटनी को आप पूड़ी या पराठे के साथ खाइएगा। सच में आपको दाल सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी चटनी लगती है। और जब आप एक बार ये चटनी बनाएंगे ना तो आप टमाटर की चटनी खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये चटनी होती है। कुछ यूनिक चटनी है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए अब हम दूसरी चटनी बना रहे हैं। तो ये मैंने एक दूसरा कैथा ले लिया, थोड़ा सा इसको भी फोड़ लिया, देखिए ये भी आसानी से फूट गया है। अब हमको इस कैथे का भी पल्प निकाल लेना है, तो पल्प हम उसी तरह निकालेंगे। आप चाहे तो चाकू की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से इस पल्प को अलग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से सारा पल्प अलग हो गया। अब हम इस चटनी को बनाएंगे, खट्टी मीठी चटनी। अभी जो हमने चटनी बनाई वो तीखी चटपटी चटनी थी, ये चटनी थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी तीखी रहेगी और ये बिल्कुल डिफरेंट स्वाद की है। तो हमने 6 चम्मच चीनी ले ली है और ये देखिए कैथे का पल्प। आप चीनी का मेजरमेंट कैथे से कर सकते हैं, जितना कैथा हो उतनी ही चीनी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने 3 से 4 चुटकी नमक डाला, 2 लाल मिर्ची डाली। इस चटनी में ज्यादा मिर्ची ना ऐड करें क्योंकि बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी तो चटनी अच्छी नहीं लगेगी। बस हल्की सी चटपटी चटनी बननी चाहिए। सबसे पहले हमको चीनी और मिर्ची को अच्छे से पीस लेना है। इसी के साथ हमने नमक भी ऐड किया था, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने 3 से 4 बार चीनी को अच्छे से पीस लिया जिससे कि चीनी के पूरे दाने फूट गए। अब हमको इसमें कैथा ऐड करना है, तो कैथा को उसी तरह थोड़ा सा कूट लेंगे जिससे कि आसानी से कैथा पीस जाएगा। इस चटनी को बनाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि कैथा के दाने नहीं फूटने चाहिए, पूरे कैथा के बीज उसी तरह सलामत रहेंगे। 2-4 बीज पिस जाते हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे अगर बीज पिस जाएंगे तो कैथा का टेस्ट खराब हो जाएगा, चटनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमने कैथा को बाद में मिक्स किया था इसलिए इसके भी बीज बिल्कुल उसी तरह से बरकरार हैं। अब हमारी ये भी चटनी बनके तैयार हो गई। हम इस चटनी को भी एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। और इस चटनी में आप धनिया पत्ती का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, लहसुन न डालें, प्याज न डालें, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बस इसी तरह की चटनी बनती है। ये देखिए ये मीठी चटनी हो गई, इसके पहले हमने नमकीन चटनी बनाई थी। इस नमकीन चटनी को आप आलू के पराठे के साथ, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना रहे हैं घर में खाना उसके साथ थोड़ा सा ले लीजिए, सच में खाने का जायका बदल जाएगा, बहुत टेस्टी खाना लगने लग जाएगा। और ये जो हमने मीठी चटनी बनाई है इस चटनी को आप नाश्ते में जब पूड़ी पराठा बनाते हैं ना उसके साथ लीजिएगा, आपको जैम सॉस ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 यूनिक रेसिपी थी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नई रेसिपी और बहुत सारे किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।